आज यहाँ पे उद्घाटन खुद जो है रिबिन काट के करने वाला था। आप भी सिर्फ रिबिन दिखाकर और यहाँ पर राजनीति करके चले जाएंगे, यानी 10 से 15 दिन? 10 या 15 दिन जो भी होगा मैं उसके लिए भुगतने को तैयार हूँ। महेश चामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम वाई जंक्शन से लेके भोलेनाथ नगर तक जो ब्रिज बनाई गई है उस ब्रिज पर मौजूद है। दरअसल आपको बता दें कि मुंब्रा शहर हो या फिर शील फाटा का इलाका हो, यहाँ पर इस ब्रिज को लेकर काफी चर्चा हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है, लोगों का कहना है। साथ ही MIM पार्टी के लोगों का भी यही कहना है कि इस ब्रिज का काम लगभग पूरा हो गया है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी लग चुकी है और बीच के जो भी जितने डिवाइडर वगैरह के जो काम थे और जो भी साइड के दिशा निर्देश वगैरह बताने वाले सब चीज थे, वो सभी चीजों का लगभग काम इस ब्रिज का पूरा हो गया है। लेकिन सवाल ऐसा उठ रहा है कि आखिर इसकी ओपनिंग क्यों नहीं की जा रही है। लोगों का ऐसा मानना है कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, इस ब्रिज की ओपनिंग भी वैसे ही आगे की तरफ बढ़ा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि वाई जंक्शन से इस ब्रिज की शुरुआत होती है और शील फाटा की तरफ जो भोलेनाथ नगर इलाका है शिवली नगर से पहले, वहां तक ये ब्रिज बनाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि वाई जंक्शन से नीचे कालशेखर हॉस्पिटल का जो आने जाने वाला रास्ता है, वहां से जो नीचे से वाई जंक्शन पर आने जाने वाले लोग हैं उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है रोड पार करने को लेकर। अगर ये ब्रिज की ओपनिंग हो जाती है तो जो बड़ी गाड़ियां हैं वो सीधा मुंब्रा बाईपास से इस ब्रिज को ब्रिज से होते हुए वो शील फाटा की तरफ चली जाएंगी, जिसकी वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस ब्रिज की ओपनिंग क्यों नहीं की जा रही है, क्या इस ब्रिज को लेकर भी राजनीति खेला जा रहा है। MIM पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि उनके पास इस ब्रिज को लेकर क्या जानकारी है और आखिर क्यों नहीं इस ब्रिज की ओपनिंग की जा रही है। जावेद भाई, इस ब्रिज को लेकर जो है तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं शहर के और MIM पार्टी के लोग, आप लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ब्रिज की ओपनिंग क्यों नहीं की जा रही है। ऐसा लोगों का कहना है कि चुनाव जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे इस ब्रिज की ओपनिंग भी आगे टाली जा रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। सबसे पहले मैं आपके न्यूज के माध्यम से पूरे देशवासियों को दीपावली का शुभ त्योहार जो है मैं पेश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद दिवाली के शुभ अवसर पे मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ जो हमारे शहर को जरूरत है। अगर ये ब्रिज चालू हो जाती तो 40% ब्रिज में से गाड़ियां इधर से जाती तो 40% कम से कम ट्रैफिक कम हो जाती। तो इसके लिए जब वो बाईपास में उद्घाटन हुआ था तो दो पार्टियों ने कोई रात को उद्घाटन किया कोई दिन के किया, तो वो हरकत देख के 1 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था कि ये जो है ब्रिज है इसको आप जो है चालू करें। ये देखो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, फिर उसके बाद मैंने जो है 1 नवंबर को मुझे जो है महाराष्ट्र शासन से पत्र आया 1 नवंबर को कि ये ब्रिज के लिए हमने MMRDA और थाना महानगर पालिका के आयुक्त को हमने लेटर दे दिया है, इसका क्या है रिपोर्ट करो ताकि चालू हो जाए। उसके बाद जब ये देखा कि यहाँ का जो चुनाव था वो चुनाव पीछे चला गया तो ये उसी तरह से ब्रिज को जो है ऐसी रख दिया गया था। काम तो हो गया, आप देख सकते हैं पूरा काम हो गया लेकिन चालू करने का नाम नहीं ले रहे। फिर उसके बाद हमने 3/10/2022 को मुख्यमंत्री जी को और MMRDA आला अधिकारी को हमने पत्र दिया। उसके बाद हमने जो है कलेक्टर MMRDA और मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया तो हमें जवाब मिला कि ये ब्रिज चालू करने के लिए हमने प्रशासन को भेजा है माननीय मुख्यमंत्री जी को और इसका जो है जैसे ऑर्डर आता हम लोग चालू कर देंगे। मैं बोला चालू कर देंगे, इसमें काम क्या बाकी है, तो उन्होंने कहा खाली टेस्टिंग बाकी है, ये लिबर्टी टेस्ट करेंगे उसके बाद चालू करेंगे। तो मैं प्रशासन से आवाज करता हूँ कि अगर ये ब्रिज
जो है इलेक्शन से पहले अगर चालू हो जाती तो ठीक है, अगर इलेक्शन का कोई इंतजार करता है, जैसे वो बाईपास का किया गया था मुमरा में, और सी बहुत से काम है जो इलेक्शन के टाइम पे उद्घाटन करते हैं, चाहे जावेद भाई बाईपास का आधा अधूरा काम था, नेताओं ने रात के अंधेरे में जो है इसकी ओपनिंग कर दी थी, कुछ लोगों ने दिन के उजाले में किया, इसका ब्रिज का काम तो लगभग पूरा हो चुका है और शायद मई के महीने में जो इसकी ओपनिंग की डेट वगैरह थी, ऐसा जानकारी में आया है, लेकिन अभी तक ओपनिंग नहीं हुआ, क्योंकि जो बाईपास से जब उतरते हैं आप तो वहां से जो लोग पार करते हैं रोड, उनको काफी तकलीफ होती है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों का आना जाना, अगर ये ब्रिज चालू हो जाता है तो बड़ी गाड़ी इस पे से आ जाएगी तो नीचे से लोगों को सहूलियत हो जाएगी पार करने के लिए। अभी फिलहाल स्कूल दीपावली की छुट्टी तो बंद है, लेकिन जो स्कूली बच्चे हैं वो दौड़ दौड़ के पार होते हैं, डर के पार होते हैं। देखिए इसीलिए तो मैं इनकी हरकत से, जो इन्होंने हरकत किया था वो बाईपास का जो आपको बता रहा हूँ, बाईपास का जो रोड के लिए जब थोड़ा काम हुआ तो दोनों पार्टियों ने उस पर उद्घाटन कोई रात को 12 बजे किया, कोई 9 बजे किया, वो संघान को मैं देखते हुए मैंने आला अधिकारी नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र देता रहा इसके बारे में, मुझे जो लेटर अभी आ गया है कि इसका टेस्टिंग बाकी है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो चालू हो जाएगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर कोई राजनेता इलेक्शन के लिए काम करता है तो जनता तो समझ गई, नहीं तो मैं तो आज आया था, ये देखो मैं जो है आज यहाँ पे उद्घाटन खुद जो है रिबिन काट के करने वाला था, अगर जल्दी अगर ये नहीं होगा तो मैं इंशाल्लाह मैं खुद आके रिबिन काट के ये सब खोल दूंगा, मैं गाड़ी यहाँ से भेजूंगा, जो होगा प्रशासन से मैं बात कर लूंगा और जो भी होगा मैं उसके लिए भुगतने को तैयार हूँ, क्योंकि ये जो ब्रिज है हमारे आवाम के लिए आज बहुत मुमरा शहर के लिए जरूरत है। आज देखो जावेद भाई आप कह रहे हैं कि आप खुद रिबिन काट के ओपनिंग कर देंगे, बड़ी गाड़ियों को इस पे चढ़ा देंगे, तो आपके तरफ से कुछ ऐसी गाइडलाइन है कि कितने तारीख तक इसकी ओपनिंग हो जानी चाहिए कि आप ऐसा कर देंगे? जो है आपको बता रहा हूँ, जो 5 मई पिछला गया है, 5 मई का उद्घाटन होना था, लेकिन 5 मई तो नहीं इसलिए हुआ कि इलेक्शन पीछे चला गया, ये जाहिर सी बात है कि ये इलेक्शन के लिए रुका है, मैं कागज पे बात करता हूँ, मैं कोई मुजबानी किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, और इसलिए अब 5 मई भी खत्म हो गया, तो जब हमने पत्र व्यवहार काफी दिया, इसकी मांग किया तो प्रशासन से हमको लेटर मिला कि MMRD को दिया, जब MMRD के पास हमने गए तो उन्होंने कहा कि टेस्टिंग हो जाएगी, मुख्यमंत्री का लेटर हमने भेजा चालू करने का, जैसे उनका लेटर आएगा हम लोग चालू करेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कुछ गाइडलाइन दे रहे हैं कि इतने तारीख के बाद अगर नहीं ओपनिंग होता है तो आप ओपनिंग कर देंगे, कुछ आपके तरफ से फिक्स है कि 1 महीना 10 दिन 15 दिन या फिर आप भी सिर्फ रिबिन दिखाकर और यहाँ पर राजनीति करके चले जाएंगे? राजनीति भी नहीं करता हूँ, आपको बता दूँ मैं ये जो लेटर दिया हूँ इसका जवाब मुझे आ गया है, और फिर मैं अभी कल एक लेटर देने वाला हूँ कि आप जो है 1 महीना या 10 दिन मुझे मुद्दत दे दो कि कब चालू करने वाले, अगर आप नहीं चालू करेंगे तो यहाँ की जनता इसको चालू करेगी, उसका मैं सहयोग करूंगा। जनता नहीं, आप तो रिबिन दिखा रहे हैं ना, तो जनता को लेके करूंगा ना भाई, जनता का यानी 10 से 15 दिन 10 या 15 दिन 1 महीना जो भी है, अगर जवाब प्रशासन का जवाब, जब उन्होंने MMRD ने मुझे कल कहा कि ये ब्रिज तैयार हो गई है, सिर्फ लिबर्टी टेस्ट नहीं है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है और वो पत्र का जवाब आते चालू हो जाएगा, मैं उसका इंतजार करूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर इसके लिए मैं संज्ञान लूंगा, उसके लिए कुछ करने को तैयार हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप जैसे देख रहे हो कि ब्रिज कम्प्लीट हो चुका है, अभी नीचे जो है वाई जंक्शन है, आप लोगों के माध्यम से ही न्यूज चलती है कि 15 दिन महीने भर में एक ना एक एक्सीडेंट होता है, और आपने अभी कहा कि स्कूल के बच्चे भागते, तो अल्लाह के वास्ते जो भी यहाँ पे सत्ता में है मुख्यमंत्री जी से हमारी ये अपील है, हमारी टीम की ये अपील है कि ये फ्लाईओवर जल्द से जल्द चालू करे और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें बचे। बिल्कुल ये बात भी सही है कि जो है एक्सीडेंट जो है वो इस इलाके इस रोड पर जो है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, और अगर ऐसे में इस ब्रिज का इस फ्लाईओवर का जो है ओपनिंग किया जाता है, जल्द से जल्द इसे शुरू की जाती है, तो ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से MIM पार्टी के जो ट्रेजर है जावेद सिद्दीकी, उनका साफ कहना है कि अगर प्रशासन के तरफ से जवाब आने के बाद भी इसका ओपनिंग नहीं किया जाता है तो वो खुद यहाँ पर
रिबिन काट कर ओपनिंग करेंगे और बड़ी गाड़ियों को इस ब्रिज से जो है जाने देंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये अपनी बात पर कितने खड़े उतरते हैं और इस ब्रिज को लेकर क्या वाकई में राजनीति हो रही है, क्या चुनाव का इंतजार किया जा रहा है, चुनाव के वक्त ही इस ब्रिज की ओपनिंग की जाएगी, ये देखने वाली बात है।